हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता लारू गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके करेंट थाट्स आप लोगों के लिए क्या है, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है एंड आपकी तरफ क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं, साथ ही साथ उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है एंड उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, तो आज की रीडिंग में हम ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मे बी हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या किसी के साथ मैरिड हो, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। दोस्तों, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको आपके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो दोस्तों, ये जनरल रीडिंग होती है तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस रीडिंग में से सारी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके सिचुएशन के साथ जो भी मैसेज रेजोनेट हो रही है वो डेफिनेटली आपके लिए है और बाकी मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप देखिए किस वाले लिस्ट में आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर है। ठीक है, उस वाले लिस्ट की रीडिंग को आप देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर इस वाले लिस्ट में है, यानी कि नेम इनिशियल AYCEHIKNOSTUX है आपके पर्सन का, आपका नहीं। ठीक है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर वन की रीडिंग को देखेंगे। आफ्टर दैट, अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर इस वाले लिस्ट में है, लाइक DFJMQVBGLPRWNZ है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर टू की रीडिंग को देखिएगा। ठीक है ना, तो आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है जहां पर आपको टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली का पार्ट बनिए सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिल सके एंड यस, टाइम टू टाइम आप भी अपनी रिक्वेस्ट को ऐड कर सको एंड वो वीडियोज़ भी चैनल पर आ सके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं अभी। हेलो, ऑप्शन नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग है, आपके पर्सन के नाम के पहले अक्षर सेलेक्ट किया, इट मींस दैट कि आपके पर्सन का जो नाम का पहला अक्षर है वो है AYCEHIKNOSUTX। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी डिटेल में देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन जो है उनकी करेंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी क्या परिस्थितियां हैं। प्लीज एंजल, हमें गाइड करिए। ऑप्शन नंबर वन जिन्होंने चूज किया, उनके पर्सन के लाइफ की जनरल एनर्जी क्या है। हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड आया है, पेशेंस है और फिर वी हैव द कार्ड ऑफ सेवन चक्र आर्क एंजल यूरियल। Let me see more. We have the card of Merlin. Solitude का यहाँ पे card है। सो करेंटली आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पर्सन को कुछ परफॉर्म करना है, या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मान लो कि ये स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो एक स्टूडेंट है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पर्सन वहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी फ़िलहाल वो आने वाले टाइम के किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट या किसी तरह की इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ इनके लाइफ में होने वाली है, मे बी कोई इंटरव्यू होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर हो सकता है इस पर्सन के ऊपर में कोई कोर्ट केस या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड, या फिर हो सकता है कोई लीगल वर्क इनका है, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये पर्सन अभी कोई काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं एंड हो सकता है ये पर्सन कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड, यहाँ पे भी बुक है इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर भी बुक है। तो ये पर्सन ना काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ रहा है अपने काम के लिए,
हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का कोई बैंक से रिलेटेड काम चल रहा है, तो उसके सिलसिले में काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को कहीं एडमिशन लेना है या किसी फैमिली मेंबर के एडमिशन के लिए काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। इस टाइम पे आपके पर्सन जो है ना फ्यूचर के किसी इवेंट के लिए अपने आप को काफ़ी तैयार कर रहे हैं, मे बी कुछ लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट रिलेटेड इनका वर्क हो रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन का कोई कोर्ट से रिलेटेड वर्क काफ़ी चल रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम इस पर्सन के लाइफ में चल रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड, ये पर्सन अभी फिलहाल काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि इनको एक ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पर ये अपने साथ थोड़ा समय बिताए, रिलैक्स कर सके, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे काफ़ी इस टाइम पे ओवर बर्डेंड मुझे दिख रहे हैं, जैसे इनको बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ रही है, बट ये पर्सन थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आती है। यहाँ पे सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, जो कि मुझे यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन को इस टाइम से काफ़ी सारे बुक्स, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई काम करना पड़ रहा है। काफ़ी सारी बुक्स हो सकता है ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, या लाइब्रेरी में इनका जाना हो रहा है, इनके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, देर इज़ समथिंग लाइक दैट। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखाई जा रहे हैं। लेट मी सी मोर, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। वी हैव द कार्ड ऑफ क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, नंबर वन का कार्ड यहाँ पे है। ओके, फाइंड बैलेंस नंबर टू यहाँ पे है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। कैन यू सी नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। मैंने यहाँ पे कहा ना आपके जो पर्सन है वो आने वाले टाइम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ है जो उनके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, ठीक है। जब भी कोई रेस स्टार्ट होने वाला होता है तो वहाँ पे काउंटिंग किए जाते हैं, वन टू एंड थ्री, ठीक है। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, उनके लाइफ में कोई चीज़ तो चल रही है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है एंड उस इवेंट के लिए ये पर्सन अभी फ़िलहाल खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जो है वो बुक्स पढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, किसी ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, वो सभी चीज़ें हैं, बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत पड़ रही है, नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत पड़ रही है। एंड एज आई सेड, ये पर्सन जो है उस काम में अपने वो काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, बट फिर भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। कॉन्फिडेंट बना रहे हैं कि जो भी इवेंट इनके लाइफ में आने वाला है ना उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो। ये नहीं कि वो चीज़ें आ गई और ये अपने आप को प्रिपेयर्ड फील नहीं कर रहे हैं। सो इस टाइम पे आपके पर्सन जो है डेफिनेटली ये लगातार एक काम में लगे हुए हैं, ठीक है ना। एंड बहुत जल्द इनके लाइफ में कोई इवेंट, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आती है। लेट मी सी कि ये जो पर्सन है आपके वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, वॉट इज देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू, करेंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सबसे पहले उनके थॉट्स देखते हैं, क्या सोच रहे हैं। प्राइड एंड लीडरशिप का कार्ड है। नंबर 17 यानी 17 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे है हैप्पी फैमिली, यिन एंड यांग का कार्ड है। 21-22 नंबर कैन बी वेरी इम्पोर्टेंट हियर। बॉटम में है मैन होल्डिंग अ कॉइन। लेट मी टेक मोर कार्ड, क्या सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन। डेडिकेटेड एफर्ट, 1+7=8, और फिर यहाँ पे नंबर 8 का कार्ड है द एम्प्रेस। कॉन्फ्रंट, बॉटम में है कंट्रोल, रिबिल्ड।
तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है हो सकता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे इस टाइम, ठीक है, लाइक इस वक्त वो आपको समय नहीं दे पा रहे जितना उनको देना चाहिए। हो सकता है वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि वो बहुत काम में बिजी है और आप कॉल करते जा रहे हो और वो जो है वो आपके कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स वाई हो सकता है आपको ये चीज़ें थोड़ी बुरी लग रही है इस टाइम पे। बट विद द कार्ड ऑफ प्राइड एंड लीडरशिप आई कैन सी कि ये पर्सन जो है ना अपने मन में इस बात को सोच रहे अभी फिलहाल कि इनके लाइफ में, इनके इनके हाथ में अभी जो टास्क है इनके सामने, उस टास्क को ये पर्सन पूरी अच्छे तरीके से लग के मेहनत करके फोकस करके पूरा कर ले। आफ्टर दैट ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। मान लो कि इनके एग्जाम्स है, इंटरव्यू है, या करियर में कोई बहुत बड़ा काम है इनको अभी करना है, तो ये पर्सन क्या डिसाइड कर रहा है कि वो काम एक बार हो जाए फिर ये पर्सन अपना सारा टाइम आपको देंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, फैमिली, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप लोग मैरिड हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक अच्छे वेकेशन पे जाना चाहते हैं। इवन इफ यू आर नॉट मैरिड, सिर्फ रिलेशनशिप में हो अभी आप लोग, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट सारा कुछ कंपनसेट करेंगे, ठीक है। मतलब इस टाइम पे हो सकता है वो आपको आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, बट ये काम जब इनका कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट वो आपके साथ सारा टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसी इनकी अभी फिलहाल प्लानिंग चलती हुई मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट भी ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ आपको नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ अपना प्यार शो करना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बट इस टाइम पे ये पर्सन जो है ना वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड समथिंग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस चीज़ को समझो, एंड विद द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट हो सकता है कि आप लोग जो है इस चीज़ को लेके नाराज़ हो, या फिर इस ये पर्सन जो है वो खुद से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉपर टाइम प्रॉपर केयर नहीं दे पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा है। तो ये हो सकता है उस चीज़ पे आपसे खुल के बात करेंगे, आपको फेस करेंगे, ठीक है, आपके मन में जो भी नाराज़गी है वो फेस टू फेस आपसे बात करेंगे, आपको फेस करने की एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिखती है, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पे फिलहाल आपके पर्सन सोच रहे हैं लाइक कि वो काम जो इनके लाइफ में चल रहा है वो टास्क कंप्लीट कर ले, फिर एक बार आपको अच्छे से समझाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेट मी सी मोर, और देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं फिलहाल। ओके, यहाँ पे व्हील का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रिस्टेस, सारे मेजर अरकाना कार्ड है, एम्प्रेस, द मून, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड दिस इज द हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, एज एन एम्प्रेस, एज एन एम्परर, ठीक है, मतलब आप इनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, फिर से यहाँ पे मुझे बुक दिख रहा है। ओके, ये पर्सन आपको काफ़ी नॉलेजेबल मानते हैं, काफ़ी विजडम वाले पर्सन मानते हो, और मुझे इस टाइम पे सेंस हो रहा है ना कि ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ करके आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप जो है इन पे प्राउड फील कर सको, ठीक है। आपको जो है अपना, इनको अपना स्पाउस कहने में या फिर इनको अपना पर्सन कहने में, ठीक है, आपको काफ़ी प्राउड फील हो, वो चीज़ें ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। एंड समवेयर ये पर्सन आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको काफ़ी ब्यूटिफुल मानते हैं, एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हो आप इनके लाइफ में, एंड यस हो सकता है कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है, ठीक है, काफ़ी डिग्रीज हो सकती है, तो ये पर्सन समवेयर अपने आप को भी उस लेवल पे लाना चाहते हैं इस टाइम पे। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, आपकी जो विशेषताएं हैं, जो आपके गुण हैं, उससे ये पर्सन खुद को मैच करना चाहते हैं, और उस गुण में, उस अच्छी क्वालिटी में ये भी एक बात हो सकती है कि आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की है, ठीक है, तो वो चीज़ ये पर्सन इस टाइम पे मैच करना चाहते हैं, ये भी अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो नजर आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। तो आपके पर्सन जो है इस टाइम पे आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यिन एंड यांग का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक कर देना चाहते हैं। मान लो कि आप जो है वो बहुत केयर करते हो, बहुत आपके पार्टनर की सुनते हो, ठीक है, एंड हमेशा इनका ख्याल करते हो, बट हो सकता है इस टाइम पे ये पर्सन वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भी आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। ये आपको भी स्पेशल फील कराएंगे, आप जैसे इस पर्सन की केयर करते हो, आप जैसे इनका वेट करते हो,
इंतज़ार करते हो, ठीक है, जो भी चीज़ें आप करते हो, ये पर्सन चाहते हैं कि इक्वली ये भी आपको वो चीज़ें रेसिप्रोकेट करें, आपके लिए वो सभी चीज़ें करें जो आप इनके लिए करते हो, ठीक है। बिकॉज समवेयर आई कैन सी कि ये पर्सन फिलहाल इनके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट की फीलिंग है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और उससे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो यहाँ पे बता रहा है ना कि इस रिलेशनशिप को लेके आपकी जो भी आशाएं हैं आपके पार्टनर से, वो सभी आपकी आशाएं पूरी होंगी आने वाले टाइम में, विद इन 6 वीक्स, विद इन 3 वीक्स, मतलब 3 to 6 वीक्स आप इस पर्सन के अंदर देखोगे ना कि आप जैसा जैसा चाहते हो, आप जैसे जैसे विश कर रहे हो, वो सभी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। आप जैसा चाह रहे हो उस तरह का बिहेवियर एंड डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, बिकॉज आई कैन सी कि वो इस चीज़ के बारे में अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट मी सी कि इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ये पर्सन आपके लिए अभी फ़िलहाल क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि ऑप्शन नंबर 1 के ट्रू फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। We have the card of free spirit. Okay. Bottom में है be spontaneous. यहाँ पे है door to spirit, free spirit and after that we have the card of door to spirit. Nice. And बर्थ एंड रिबर्थ। तो आपके जो पर्सन है इस टाइम पे, जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन को ख़राब कर रही, किसी की वजह से कोई ब्लॉकेज था या किसी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ फ्रीली एक्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी के दबाव में थे और वो पर्सन आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये काम हो सकता है, क्योंकि दिखा है मुझे आपकी रीडिंग करते समय ये काम हो सकता है जिसके चलते आपके पर्सन बहुत ही बंधे हुए फील कर रहे थे, वो चाह के भी आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो ये पर्सन जो है इस टाइम पे अपने आप को फ्री करके आपकी तरफ फोकस करना चाहते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के लिए किसी तरह का इमोशनल कोई ब्लॉकेज था या फिर आपके पर्सन के अंदर कोई फियर था, कोई डाउट था या कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई कंफ्यूजन था जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेज था, रुका हुआ था आपका रिलेशनशिप, एंड उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन इस टाइम पे, और चाहते हैं ये कि आपके रिलेशनशिप में लव हो, प्यार हो, और ये पर्सन आपके लिए अभी फिलहाल रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिस्क का कार्ड है, हो सकता है फैमिली की वजह से, यानी कि फैमिली नहीं मान रही है या फैमिली का डर है, यहाँ पे सोसाइटी का डर है, तो आपके पर्सन इस टाइम पे वो आपकी तरफ काफ़ी इंक्लाइंड फील कर रहे हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने प्रॉपर एक्शन आपकी तरफ नहीं लिया था, बिकॉज वो किसी से डर गए थे या किसी और की परवाह की थी, आपकी परवाह नहीं की थी, तो इस टाइम पे ये गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फोकस है वो आप हो इस टाइम पे, और इनकी प्लानिंग है कि आपको ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक डोर है, यहाँ पे बर्थ एंड रिबर्थ का कार्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोग देख सकते हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। लेट मी सी मोर और हमें क्या पता चलता है, फिर हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन की तरफ से, सो दैट आपको और भी क्लैरिटी मिल सके। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स ऑप्शन नंबर 1 की कनेक्शन के बारे में। ओके, यहाँ पे आया है यूनिकॉर्न का मैसेज, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपके कनेक्शन को लेके आप जो भी सही डिसीजन लेना चाहते हो ना, तो आपको इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ये आपको एंजल्स की तरफ से मैसेजेस दिए गए हैं दैट यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपके रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके कोई भी डिसीजन, कोई भी बात आपके दिमाग में आ रही है, तो उसको अपनी इंट्यूशन की पहले आपको सुननी है, उसके बाद ही किसी और की। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, अ चेंज इज कमिंग। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में अभी जो सिचुएशन है वो चेंज होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही बता रहा है, एक अच्छी बदलाव को आप देखने वाले हो आपके पर्सन के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर। वी हैव द कार्ड ऑफ शॉर्ट जर्नी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप दोनों पर्सन कहीं पर ट्रैवल करोगे, शॉर्ट जर्नी है तो एक छोटी सी ट्रैवल कहीं पर हो सकती है आप लोगों की। एंड डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। वी हैव द टी पॉट, अगर आप दोनों के बीच में कोई पर्सन है जो कॉमन फ्रेंड है, तो वो हो सकता है आप लोगों को मिलने आएगा। यहाँ पे लव है, तो आप लोगों की कनेक्शन में प्यार आने वाला है, मतलब प्यार आप लोगों के बीच में बढ़ेगा, ठीक है।
एंड समवन इज बिहेविंग स्ट्यूपिडली, तो कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी रिलेशनशिप को गड़बड़ कर रहा है, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, ये कम चांसेस है. समवन इज बिहेविंग स्ट्यूपिडली आपके कनेक्शन में. वी हैव द कार्ड ऑफ टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ. इस टाइम पे हो सकता है कि अगर आपको जिन लोगों को ये लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है और आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है, अपनी बातों को सुनिए, अपने मन की सुनिए. न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर और फ्रेश स्टार्ट, आप दोनों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, नया स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो रही है. डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन, हो सकता है ये आप लोग किसी मेल के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है. लेट मी सी एंजल्स को क्या कहना है, क्या गाइडेंस, अगर आपके मन में कोई सवाल है उसको आप पूछ सकते हैं. लेट मी सी क्या जवाब है आप लोगों के लिए, क्या आंसर दे रहे हैं. ऑप्शन नंबर वन को क्या जवाब देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस है. यस का मैसेज है, ओके, आपको यस कहा जा रहा है. ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड. यू आर रेडी, हो सकता है आप लोग कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो आपको कह रहे एंजल्स दैट यू आर रेडी एंड यस. ओह माय गॉड, फिर से यस आया दो बार. लेट मी सी, अब टाइम आ गया है कि आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस हम देखते हैं, ठीक है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. व्हाट आर द चैनल मैसेजेस ऑफ ऑप्शन नंबर वन पर्सन फॉर देम. आई रिग्रेट, आई इवन लॉस द फ्रेंडशिप विद यू. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच का कनेक्शन जो है वो इस टाइम पे बंद है, खत्म है, डिसरप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है आपके पर्सन से बात भी नहीं कर रहे हो, खत्म हो गई आप दोनों की फ्रेंडशिप भी, तो उस चीज़ का ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं. यू आर नॉट विद मी एंड आई एम लोनली एज कैन बी, एंड आपके लिए सॉलिट्यूड का भी कार्ड आया था, तो ये पर्सन फिलहाल आपकी कमी को अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आपके बिना ये अकेला महसूस कर रहे हैं. यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो, ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं दैट आप भरोसा करो या नहीं, बट ये आपको प्यार करते हैं, ठीक है ना, आप को ये पर्सन डेफिनेटली प्यार करते हैं, वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं. आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया उसका इनको बुरा लग रहा है, उसके लिए गिल्टी फील करते हैं, ठीक है. एंड आई एम वॉचिंग यू, ये पर्सन आपको बता रहे हैं दैट ये आपको देखते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट्स को देखते हैं या कहीं पर भी ये पर्सन आप पे नज़र बना के रखे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं. यू आर माई सोलमेट, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं. You are the most beautiful person inside out. ये आपको एक बहुत ही अच्छा person समझते हैं, ठीक है, काफ़ी caring as an empress जैसा कि था. First and last thing that comes to my mind is your name. याद करते रहते हैं आपको, ठीक है, आपके नाम को, and आपको सोचते हैं why you did this to me. हो सकता है कुछ चीज़ें आपने इस person को की थी, कुछ बोला था, तो वो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगी and पूछ रहे हैं आपसे that आपने ऐसा क्यों किया. We have never only been friends. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अनकन्फेस्ड लव है, मतलब दोस्त ही है सिर्फ, बट आपको भी पता है कि लाइक करते हो, उनको भी पता है, बट कन्फेस्ड नहीं किया है, तो वैसे कुछ सिचुएशंस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है. तो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर वन. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है. रीडिंग्स को देखना है रेगुलरली तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो ऑप्शन नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग. आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर है DZBFGJLMQBPRW, ठीक है, ये आपकी रीडिंग है. और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शन एंड चैनल मैसेजेस और गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है. आपके पर्सन अभी करेंटली आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है एंड आपकी रिलेशनशिप के लिए हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको रेगुलरली रीडिंग्स मिल सके. सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में इन जनरल क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है ना.
we have the card of woman holding a coin and pillar of the ages. Let me see more. आपके person currently क्या कर रहे हैं अपने life में? Cat, यहाँ पर भी cat है, यहाँ पर भी cat है, okay. New vitality. तो आपके जो पर्सन है ना वो इस टाइम पे काफी अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हैं, काफी अच्छे, काफी हाई एनर्जीज में आपके पर्सन, ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके जो पर्सन है इस टाइम पे वो अपने मन की कर रहे हैं, ठीक है? इस टाइम पे वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, काफी खुश फील कर रहे हैं, अपने लाइफ को लेके वो काफी उत्साहित है, ठीक है? यहाँ पे कैट जो है वो दो दो बार नजर आ रहा है. कैट समवेयर एक लग्जरी की भी बात करता है, कैट एलिगेंस की भी बात करता है, और कैट जो है वो इंडिपेंडेंस की भी बात करता है. साथ ही साथ वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन है और दो दो कैट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं. इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन या तो इस टाइम पे अपने आप को काफी अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, जिसके चलते ये काफी ज्यादा अपने सामने, अपने जिस भी लोग के साथ ये रहते हैं वहां पर इनकी पोजीशन बढ़े, ठीक है? और इस टाइम पे हो सकता है ये पर्सन जो है अपने स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपग्रेड कर रहे हैं, वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखती है. ऑल्सो हो सकता है इस पर्सन को एक मौका मिला है अपने करियर में कुछ अच्छा करने का, कोई बड़ी सक्सेस पाने का, ठीक है? तो कोई रास्ता सूझा है या तो किसी के साथ कोई अपॉर्चुनिटी मिली है. एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ हीलर ऑफ द एजेस, ये पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं और अपने लाइफ में इस टाइम पे जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो कोई तो नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कुछ तो नया इनके लाइफ में हो रहा है, या तो हो सकता है ये पर्सन, इनको बहुत बड़ा कोई अमाउंट रिसीव हुआ है जिसके चलते ये बहुत सारी लग्जेरियस आइटम खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इनको कोई सक्सेस मिली है. एंड कुछ लोग हो सकता है ये पुरानी जॉब को छोड़ के अपने मन का कुछ कर रहे हैं, ठीक है? ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने मन की कुछ करना, अपने मन का कुछ काम स्टार्ट करना, ठीक है? एंड विद द कार्ड ऑफ हीलर ऑफ द एजेस, बहुत दिनों से अंदर इस पर्सन के अंदर वो काम करने की एनर्जीज, वो काम करने की उत्साह पहले नहीं थी, ठीक है? बट इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपने मन को बनाया, स्ट्रांग बनाया, और इस टाइम पे ये एक्शन ले रहे पर्सन अपने करियर के लिए, ठीक है? वी हैव द कार्ड ऑफ हेल्दी बाउंड्री, अपने चारों तरफ जो भी चीजें इनको अच्छी नहीं लगती इस टाइम पे अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि ये पर्सन कोई पुरानी जॉब को छोड़ के कोई नई जॉब ले रहा है, अपनी आदतों को चेंज कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनके लाइफ में अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं. तो आप जब इस पर्सन से मिलोगे आपको लगेगा कि इस पर्सन के अंदर कुछ तो बदलाव आया है, और इसके चलते आप देखोगे ये पर्सन जैसे थे उससे बेहतर ये हुए हैं, ठीक है? या तो आप इनके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस देखोगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस देखोगे, घर के अंदर चेंजेस देखोगे, हो सकता है घर को काफी साथ सजावट इन्होंने किया है, ठीक है? तो वो चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है? और भी देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी पर्सन की लाइफ में. We have the card of move. Community. यहाँ पे है number 77 का card. Queen of Cups. हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, ओके? एंड या तो आप है या तो ये पर्सन जो है वो, मुझे यहाँ पे एनर्जी सेंस हो रही है, काफी इंट्यूटिव, काफी साइकिक. हो सकता है उसका काम ही ऐसा है जो कि एस्ट्रोलॉजी, टैरोट का रीडिंग, ओरेकल रीडिंग उससे रिलेटेड है. काफी सारे क्लाइंट्स से डील करना पड़ता है, कोई रेकी हीलर हो सकता है,
ठीक है, या फिर मान लो कि ऐसा प्रोफेशन नहीं है फिर भी वो चीज़ें आती है तो यहाँ पर हो सकता है वो, ठीक है। एंड इस टाइम पे आपके जो पर्सन है वो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली यहाँ पे मूव का कार्ड आया है, तो ये भी अपग्रेड की बात कर रहा है कि आपके पर्सन जो इस टाइम पे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि अपना घर चेंज कर रहे हैं, किसी नई जगह को ज्वाइन किया है काम करने की, ठीक है, लाइक वर्क प्लेस चेंज हुआ है, इनका ट्रांसफर हो रहा है, देर इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे कम्युनिटी भी मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम पे आपके पर्सन जो है वो सेलिब्रेट करने के मूड में, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई अच्छे कुछ अच्छे लोगों से ये पर्सन मिले हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है। विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स आपके पर्सन इस टाइम पे काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, और हाँ एक्शन भी लेने के मूड में है, ठीक है। ये नहीं कि इनको फिलहाल जैसा लग रहा हो गया सो हो गया, वो नहीं, इनको अपनी लाइफ में लग रहा है कि चलो सही मौका आया कुछ करने का, ठीक है। तो वो एनर्जीज आपके पर्सन की अभी मुझे दिखाई जा रही है। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एरीज लियो सैजिटेरियस, यानी एक पर्सन फायर साइन दूसरा वाटर साइन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। फिर नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, तो हो सकता है ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। लेट मी सी कि इस पर्सन की जो एनर्जीज है आपके लिए क्या है, क्या आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। दो कार्ड्स गिरे हैं लेकिन फिर से लेते हैं, शफल नहीं किया था मैंने। हमारे व्यूअर्स के प्रति क्या है उनकी एनर्जीज, थॉट्स, देयर थॉट्स, डिसीट का कार्ड है, ओके। फिर से नंबर 7 है, 2+5=7, क्या है थॉट्स, सॉलिट्यूड, ओके, रिस्क, व्हाई इज द रिस्क कार्ड हियर, किस बात का रिस्क, क्लैरिफाई दिस कार्ड प्लीज। 6 of Swords, तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे कहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे 6 of Swords का कार्ड है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में कुछ तो नया करने जा रहे हैं, जिसके चलते इनको लग रहा है ना कि आपके साथ जो बॉन्डिंग है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो फिलहाल अपने लाइफ में कोई एक्शन लेने वाले हैं, और इसके वजह से इनको लग रहा है कि आपके मन के ऊपर में कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप बुरा सोचोगे, आपको बुरा लगेगा, या फिर क्योंकि हो सकता है ये आपको बिना बताए हो सकता है कहीं पे घूमने जा रहे हो, या फिर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, इनको शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि उसके वजह से इनको लग रहा है कि ये रिस्क है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ 6 of Swords कि ये अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, उसके चलते आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपको वो चीज़ें खराब लग सकती है, आपकी रिलेशनशिप को वो कमज़ोर कर सकती है, वैसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखता है। विद द कार्ड ऑफ डिसीट एंड सॉलिट्यूड ये पर्सन यहाँ पे फील कर रहे हैं कि आप इनसे कुछ बातों को छुपा रहे हो, ठीक है। डिसीट का कार्ड आपके लिए आया है, तो इस टाइम पे इस पर्सन को लग रहा है दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, मे बी अबाउट योर फाइनेंसेस, हो सकता है कि आपको कुछ पैसे या फिर कोई चीज़ रिसीव हुई है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसे से रिलेटेड है, बट कुछ ना कुछ तो आप हाइड कर रहे हो उस पर्सन के सामने, वो चीज़ें इस पर्सन को फील हो रही है इस टाइम पे आपके लिए। विद द कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इनको वो चीज़ें ना पक्का लग रही हैं दैट कोई बात तो है जो आप इनसे छुपा रहे हो उस टाइम पे। लेट मी सी मोर, ठीक है, क्या पता चलता है, क्या सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, वो यस, यहाँ पे 5 of Swords का कार्ड है, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, प्लीज क्लैरिफाई 5 of Swords, व्हाई इज द 5 of Swords कार्ड हियर,
फाइव सोट के लिए सिक्स ऑफ सोट का कार्ड आया, ठीक है। वाइस स्टार कार्ड है, स्टार का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ऑप्शन नंबर टू आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपको और आपके रिलेशनशिप को लेके वो काफ़ी डाउट में है, ठीक है। उनके दिमाग में बहुत बार उथल पुथल मच रही है करेंटली, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपसे इस पर्सन ने कोई बात करी, ठीक है, और फिर हो सकता है कि आपने इनको क्लियरली बात नहीं कही, या फिर हो सकता है कि आपने अपने तरफ से सही सही जवाब दे दिया, आपको जो लगा कि आपने जितना बताना था आपने बता दिया, बट वो चीज़ इस पर्सन को रिलायबल है कि आपने जो कहा उस पर ये पर्सन भरोसा नहीं कर पाए, ठीक है। इनको लगा कि आपने इनसे कुछ तो हाइड किया, या तो फिर आपकी वो बात से ये पर्सन काफ़ी परेशान हुए, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से तो जो भी कहना था वो कह दिया, सही सही कह दिया, बट इस पर्सन के मन में डाउट रह गया, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके लाइफ में जो है वो कोई और पर्सन जो है इसकी जगह ले रहा है, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ द एम्परर एंड द टावर, अगर आप लोगों का कोई एक्स था पास्ट में, कोई रिलेशनशिप था, ठीक है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि उनकी वापसी आपके लाइफ में हो रही है, एंड विद द कार्ड ऑफ द टावर इसके चलते ये पर्सन परेशान है। हो सकता है पास्ट में मैरिड थे या फिर पास्ट में किसी के साथ एसोसिएटेड थे, और अगर ऐसा नहीं भी है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट मेल फिगर है, लाइक हो सकता है ये कोई फादर फिगर है, या फॉर सम ऑफ यू या कोई एक्स हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू या कोई बॉस हो सकता है, ठीक है, जिसके चलते ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर है। इनको लग रहा है ना कि उनके चलते आपकी रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी। वी हैव द कार्ड ऑफ द टावर, इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो चीज़, ये जो पर्सन है आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप लोगों के लिए कि ये कौन से पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखता है एक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई फादर फिगर है, फॉर सम ऑफ यू आपके कोई बॉस या कोई ऐसे पर्सन जिनकी काफ़ी सुनते हो आप लोग, तो उनका काफ़ी इफेक्ट हो रहा है इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप पर, और इनको लग रहा है कि आप उनकी बहुत सुन रहे हो और उनके कहे अनुसार आप कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनको लग रहा है कि आपके एक्स आ गए हैं जिसके चलते आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, ये पर्सन जो है आपके साथ लॉयल फेथफुल होना चाहते हैं, आपकी रिलेशनशिप को लेके आपको लेके काफ़ी सीरियस होना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि क्या, ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या विश है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो कि आप भी उतने ही सीरियस हो, क्या आप भी इस पर्सन के लिए उतने ही डेडिकेटेड हो, आपकी क्या विश है। इनको ये डर लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए पूरी प्लानिंग कर ली, इन्होंने ये मन बना लिया, अपने आप को समझा लिया कि ये आपके साथ रहेंगे, आपकी तरफ सभी कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे, बट कहीं अगर आपका मन नहीं रहा, आपने रिजेक्ट कर दिया इनके प्रपोजल को, या फिर आप किसी और के साथ चले गए, तो ऐसा इनके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल वाली सवाल चलती हुई मुझे अभी फिलहाल देख रही है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि इसको लग रहा है ना कि आपका ध्यान जो है इस पर्सन की तरफ से हट रहा है। हो सकता है जब आप बात करते हो तो इनको फील होता है कि मन से बात नहीं कर रहे हो, मन नहीं लग रहा आपका बात करने में, तो कुछ ना कुछ तो इनके मन में डाउट, फियर, टेंशन इस टाइम पे मुझे दिख रही है। चलिए और देखते हैं क्या पता चलता है। यहाँ पे लव का कार्ड है, ओके, बर्डन, ओमेंस एंड मैसेजेस। ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई टेस्ट लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आपकी टेस्ट लेने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी ट्रू फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके आप क्या कर रहे हो, आपसे कोई सवाल पूछ सकते हैं जो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि आने वाले टाइम में, मे बी 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, या जब भी आप लोगों की बात होगी, यू कैन सी कि आपसे बहुत सवाल जवाब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बिकॉज इनको ना आपका टेस्ट लेना है कि वाकई में आपकी क्या इंटेंशन है इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन के लिए, ठीक है। लेट मी सी कि इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, इनके दिल की क्या फीलिंग्स है, इनकी क्या इंटेंशन है आप लोगों के लिए। ये आपके बारे में तो बहुत सोच रहे हैं, बट फीलिंग्स क्या है। टर्न अवे,
यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड है, कम्युनिकेशन, बॉटम में है ब्लेसिंग का कार्ड, मिरेकल, ओके, विद ऑल दीज कार्ड्स जो भी यहाँ पे नजर आए हैं, यहाँ पे टर्न अवे है, ट्रूथ है, कम्युनिकेशन है, ये पर्सन जो है ना ये बार बार भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जो भी शक कर रहे हैं आपके ऊपर में, जो भी सोच रहे हैं वो गलत हो जाए, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ द लवर्स, द सन, एस ऑफ वैंड्स, ऑल दीज कार्ड्स वो मुझे बता रहे हैं कि आपको ये पर्सन प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, और इनको लग रहा है कि ये जो भी सोच रहे हैं वो गलत हो, और आप खुद ब खुद आके अपने मन की सच्चाई, आपके मन की जो भी इंटेंशन है वो इस पर्सन को बता दो, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ टर्न अवे, ये आपको ऑब्जर्व करिए, पूरी आशा है इनको कि आप इनको धोखा नहीं दोगे, इनको चीट नहीं करोगे, इनको छोड़ के नहीं जाओगे, इनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरोगे आप, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इनको लग रहा है ये गॉड से प्रे कर रहे हैं कि जो भी ये सोच रहे हैं ना वो सिर्फ इनका डर हो, फियर हो, वो सच ना हो, ठीक है। सो विद द कार्ड ऑफ सन एंड लवर्स एंड एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है इस टाइम पे बोले या ना बोले, बट ये आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, एंड डेफिनेटली थोड़े इस टाइम पे नाराज हो सकते हैं या फिर बहुत दिमाग में इनकी उथल पुथल चल रही है, बट इन सब के बीच में भी आई कैन टेल यू कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं एंड अपने लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आती है। जेमिनी, फायर साइन लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एयर साइन, फायर साइन अभी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, एज ऑफ फ्रेंड्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंट्स, ये सारे चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, बट ये नहीं कि आप इनको खो दो या फिर ये आपको खो दे, ठीक है। ये मतलब कि आप लोगों के बीच में जो भी नोकझोंक होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऑन एंड ऑफ होता है, वो सभी चीज़ें ठीक है, बट एक डिसऑनेस्टी, चीटिंग, डिसेटफुल बिहेवियर वो ये नहीं टॉलरेट करना चाहते, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ टू ऑफ कप्स, द लवर्स, डेफिनेटली यहाँ पे जेन्युइन लव है, ठीक है, प्यार है, एंड विद द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इनके इनके चेहरे पे, इनके आंखों पे पट्टियां बंधी है, ठीक है, और इनको ये भी लग रहा है कि आप इनके ट्रू लव को नहीं देख पा रहे हो, उनको नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। सो आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए सही है, वो आपको प्यार करते हैं, बट थोड़े डाउट में है इस टाइम पे, ठीक है। लेट मी सी मोर, क्या और पता चल रहा है आपके कनेक्शन के लिए, क्या बताया जा रहा है। ओके, ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है, तो चैलेंजेस आपके ओवरकम हो जाएंगे, रिलेशनशिप में खुशी आएंगी, ग्रेट हैप्पीनेस है। हो सकता है आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो या इस पर्सन को आता हो, हार्प है या गिटार या वायलिन, कुछ भी, ठीक है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपके अगेंस्ट में इस टाइम पे वर्क कर रही हैं, कोई फोर्स, या हो सकता है समय अच्छा नहीं चल रहा आपके रिलेशनशिप का, बट ठीक हो जाएगा, वो सभी चीज़ें। स्पिरिचुअल लव, इस पर्सन के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स, यस, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ, ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली से आपके बारे में बताते हैं, ठीक है, किसी न किसी से डिस्कस करते हैं, कलीग से बताते हैं कि किस तरह के पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, आपकी तारीफें करते हैं। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना होगा आपको इस टाइम पे, अदरवाइज इस पर्सन का और आपके बीच में थोड़ी दूरियाँ बढ़ सकती है। सबको कहा जाए इंक्रीज योर एफर्ट्स, ठीक है, अपनी तरफ से थोड़ा एक्शन लीजिए। एंड पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न, आपके और इनके बीच में हो सकता है इस टाइम पे डिफिकल्टीज चल रही है, बट आपको प्यार से हैंडल करना चाहिए चीज़ों को, आप दोनों को करना चाहिए डेफिनेटली, बट आप सुन रहे हो मुझे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्यार से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। यहाँ पे यंगर वुमेन है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। एंड सॉलिड फाउंडेशन, टावर है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक पर्सन सोच रहे कि टावर मोमेंट आ सकता है, बट यहाँ पे कहा जा रहा है सक्सेस विद एफर्ट, ठीक है, एक टावर जो पॉजिटिव मैसेज भी दे रहा है, एक टावर जो नेगेटिव मैसेज भी दे रहा है। अब अगर आप मेहनत करोगे तो आपके रिलेशनशिप में जो है ना पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप दोनों की रिलेशनशिप और गहरी होगी, ठीक है।
एंड वी हैव द कार्ड ऑफ की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम. व्हाट आई सेड कि आपकी रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी और सक्सेसफुली आप इससे बाहर निकल पाओगे. ठीक है. ओह माय गॉड, बॉटम में मैरिज है. ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके मैरिड पार्टनर है. ठीक है, तो ये पर्सन आपको लेके काफ़ी सीरियस है. यहाँ पे सन, ओह माय गॉड, यहाँ पे ये सन का खट खुद से निकल के आया. ठीक है, तो ये सन है और यहाँ पे भी सन है. तो इस पर्सन के साथ ना आपकी जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है. ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी. मे बी कुछ लोगों के लिए आपके वाइफ हस्बैंड ये हो सकते हैं. ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों के लिए इंडिकेट किए जा रहे हैं. एंड व्हाट एल्स, यस, यहाँ पर ये एंजेलिक गाइडेंस है. तो आपके मन में कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं. लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या आंसर देना चाह रहे हैं एंजल्स. व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू प्लीज एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन नंबर टू को. नो कह रहे हैं आपको. ठीक है, कोई सवाल है उसके लिए नो. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. आप थोड़ा मेडिटेशन करिए और फिर आपको जवाब मिल जाएगा बहुत आसानी से. रिकवरी, कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉस हो गया है आप दोनों के बीच में, तो रिकवरी वहाँ से हो जाएगी. कम्युनिकेट क्लियरली, ऐसे आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट करो, अपनी मन की बातों को क्लियरली बोलो. ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आप लोगों के लिए. हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग जो है आपकी मदद करेंगे इस कनेक्शन के लिए. एंड देन वी हैव देर इज़ समथिंग बेटर. तो इस टाइम पे हो सकता है बहुत परेशान हो रहे हो आप, बट देर इज़ समथिंग बेटर. कोई नई चीज़ आपके रिलेशनशिप में आएगी. इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, डोंट वरी. एंड नाउ चैनल मैसेजेस, क्या है चैनल मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन. ऑप्शन नंबर टू प्लीज एंजल्स गाइड करिए. आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये अपने आप को इनकम्प्लीट, अधूरा महसूस करते हैं आपके बिना. ठीक है, एंड नाउ वी हैव हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी. डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ही अपने लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं, वैल्यूएबल मानते हैं, और अब इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हो वो आप में भी आपको नहीं पता. आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, जो भी बुरा कहा, बुरा किया इस पर्सन ने, उसके लिए इनको तकलीफ होती है, इनको गिल्टी फील होता है. ठीक है, वॉट आई एम टूडे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. तो हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत मोटिवेट किया है, सही रास्ता दिखाया, इनकरेज किया इनके लाइफ में. ठीक है, तो जो भी इस टाइम पे ये कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, हो सकता है इस पर्सन ने इस टाइम पे कोई कुछ अचीव किया है. ठीक है, या कुछ करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, तो ये सारा क्रेडिट आपको देते हैं. ठीक है, कि आप के वजह से वो चीज़ इस पर्सन ने अचीव की अपने लाइफ में. आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी. तो ये आपको कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने लाइफ में खुश है एंड आप टेंशन मत लो. ठीक है, वाई आई डिड नॉट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट. जिन लोगों के लिए इस पर्सन आपको पास्ट में वैल्यू नहीं किया था आपके लव को, तो उस चीज़ का रिग्रेट है, इस पर्सन को अफसोस है. आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू. ये आपको काफ़ी मिस करते हैं, जब भी बात नहीं होती है ये आपके लिए काफ़ी, आपको काफ़ी मिस करते हैं. आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आपकी सभी चीज़ों को ये पर्सन लाइक करते हैं. Why you ignore me nowadays? हो सकता है इनको फील हो रहा है इस टाइम पर कि आप इनको इग्नोर करते हो. ठीक है, आई विल टेक टू मोर चिट्स, फिर आपकी रीडिंग खत्म करेंगे हम. यू बिलीव और नॉट आई लव यू मोर देन यू नो. ये आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको बताना चाह रहे हैं. ठीक है, एंड नाउ होप यू विल अंडरस्टैंड मी, या चाहते हैं कि आप इनको समझो. सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए ज़रूर. And don't forget to like the video and subscribe to my channel.